ए भैया राम राम। आज तो आए घूंघट भाई, देखो आंगनवाड़ी में आए गई है। ओ ममता बहन कैसी हो? राम राम घूंघट वाली भाई, हम तो एकदम बढ़िया। तुम बताओ, तुम्हारा कैसे आना हुआ आज? ए ममता बहन, भैया जी अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री तो जबर काम करे पड़े हैं। ए जे सावन को महीना कतई झोली भर भर दे रहे, झोली भर भर दे रहे। हमने सोची तुम उसे पूछ ले। तुम मालूम ममता बहन, हमें देखो 250 रुपया मिल गए रक्षाबंधन के, सही बोल रही है, 1250 पहले से ही मिल रहे थे सही बोल हैं। रही है। और जी अभी सिलेंडर मिलेगा 450 रुपया को, तुम्हें कहाँ मिल रहा हूँ? बात तो सही कह रही हो बहन तुम, हमें भी बड़ी खुशी हुई जो 450 रुपया में भैया सिलेंडर दे रहे अपने मुख्यमंत्री मोहन यादव। तुम्हों को मिल रहा हूँ बहन? हाँ बहन, उसके अलावा और हम तुम्हें बताएं, पहले बहन बीमार होते थे तो हमें बड़ी टेंशन हो जाती थी, चिंता हो जाती थी, लेकिन अब हम अपनी बीमारी से भी चिंता मुक्त हो गए। जो कैसे करो तुमने? अरे बहन, अपने मुख्यमंत्री है ना डॉक्टर मोहन यादव, हाँ हाँ उनने हमको, हम सारी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बहनों को प्रधानमंत्री बीमा योजना की सुविधा दे दी है। अब उससे अरे हमको जो है मुफ्त में इलाज मिलेगा बहन। अरे बढ़िया भैया जे मोहन यादव भैया तो कतई गजबर गजब कर पड़े हैं। और काम मिल लो तुम्हें? सही कह रही हो बहन, मतलब जी गदगद हो गया। ए भैया तुम्हें मालूम, ममता बहन तुम्हारे भैया तो तुम्हें दे ही रहे हैं। आपकी बार तुम्हारे घरे राखी बनवान भी आएंगे नेता। का कह रही हो? हाँ मोहन भैया ने आपकी बार कह दो भैया राखी बनवान ताई सब मंत्री नेता बहन के घर जाए। तो भाई हम तो घूंघट वाली भाई अपनी राखी की थाली और मिठाई अपने भैया के लिए सजा के रखेंगे, और मोहन भैया को राखी बांधने जरूर ए जाएंगे। भैया धन्यवाद तो अब कह दो मोहन भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। मोहन भैया को।